ये बच्चों को बच्चा समझना छोड़िए आप। कुरान मजीद जमा करने का हुक्म दिया गया, कंपाइल एक जगह जमा कर लेके आओ। कुरान पूरा नाजिल हो गया था लेकिन हड्डी पर था, चमड़े पर था, पत्थर पर था, जहां जहां लिखा हुआ था एक जगह लाना था। किसको दिया काम? हजरत जैद को। एज क्या थी? 16 साल का नौजवान। हम बच्चों को बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे पीछे जाओ, बच्चे पीछे जाओ, बच्चे पीछे जाए, बड़े सामने आके क्या कर ले रहे हैं? फिर कुछ भी नहीं। जिम्मेदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये पूरे एरिया के लिए। आप बच्चों का ख्याल रखना, तालीम के लिए औरतों का ख्याल रखना, नौजवानों का ख्याल रखना, बड़ों का ख्याल रखना, स्ट्रक्चर तरीके में चलना। समर आ गया, समर कैंप कितने दिन का? 15 दिन का। क्या पढ़ा रहे? एक घंटा। रसना आ गया, रूह अफ़ज़ा आ गया, टैंग आ गया, पी लिए, बच्चे चले गए, हासिल क्या करे? दो दुआएं पढ़ लिए, माइक के सामने स्पीच देना सीखे? नहीं। ये बच्चों को बच्चा समझना छोड़िए आप। खाली हदीस के इतने टुकड़े याद दिला दिए, आयत का इतना हिस्सा याद दिला नहीं होता। फिक्र सीखना, मसाइल सिखाना, सवाल जब याद दिलाना, फतवे याद दिलाना। ये बच्चे हैं जिन पे आप जितना तालीम और तरबियत पे गौर करेंगे, इनके ऊपर जितना फोकस करेंगे, इनके ऊपर जितना मजबूत मेहनत करेंगे, यही बच्चे जो घर गदर दीन सिखा देते। हजरत आयशा की उम्र शादी के बाद 6 साल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब दिए गए, घर में विदाई हुई, 9 साल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल के बच्चों में मेहनत करते थे, 9 इयर्स के एज लेवल पे आके दीन सिखाते थे। वो आज हमारे उलमा के अंदर आना, बड़े आलिम साहब आ गए, बच्चे बिठाना उनके सामने, बड़े आलिम साहब आ गए, बड़े आ गए, बच्चों का गुर्द उलमा को लाके बिठाइए। बच्चों का गुर्द बच्चे नहीं लेते, बच्चों की अहमियत समझना, इनके दिमाग का जो सो कैलकुलेशन करना, इनके मेमोराइजेशन पावर का कैलकुलेशन करना, इनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना। अनस इब्ने मालिक की माँ उम्मे सुलेम अल्लाह के नबी सलम की खिदमत में लाके अनस इब्ने मालिक को कब छोड़े? जब उनकी उम्र 9 साल की थी। 18 साल की जब हुई तो अल्लाह के नबी सलम की वफात हो गई। 100 अहादीस अनस इब्ने मालिक को याद थे। हजरत आयशा 9 साल के थे जब नबी सलम का इंतकाल हुआ। हजरत आयशा की 18 साल थी। 2000 से ज्यादा हदीस उनको याद थे। ये कम उम्र लोगों की जो सो इल्म, इनके फहम, इनके अंडरस्टैंडिंग, इनके लिए टेक्निकल ज़हनियत अल्लाह ताला किस तरीके से बनाए, पहले उसका इल्म होना पड़ता हमको। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रहती, मेमोराइजेशन पावर कैसा रहता, वो लोग चीजों को समझते कैसा, कॉन्सेप्ट समझने की बात कैसी रहती। सहाबाए कराम की जिंदगी उठा देखिए, ये कम उम्र नौजवानों को उठाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एज जब गालिबन 61 ईयर्स थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज इधर 9 हिजरी में गालिबन 62 ईयर्स थी, और फिर फलस्तीन की तरफ एक लश्कर जा रहा, अबू बकर शामिल है, उमर बिन खत्ताब शामिल है, बड़े बड़े सहाबा शामिल है, परचम पकड़ने वाले सहाबा 16 साल की उम्र के। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की दौर में कुरान मजीद जमा करने का हुक्म दिया गया, कंपाइल एक जगह जमा कर लेके आओ। कुरान पूरा नाजिल हो गया था लेकिन हड्डी पर था, चमड़े पर था, पत्थर पर था, जहां जहां लिखा हुआ था एक जगह लाना था। किसको दिया काम? हजरत जैद को। एज क्या थी? 16 साल का नौजवान। हम बच्चों को बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे पीछे जाओ, बच्चे पीछे जाओ, बच्चे पीछे जाए, बड़े सामने आके क्या कर ले रहे हैं? फिर कुछ भी नहीं। जैसा बड़े सामने आ रहे हैं फजाइल बता दो, बड़ी उम्र में आके फजाइल सीख रहे, तरीके कार जब सीख रहे, नमाज का तरीका जब सीख रहे, उम्मत के अंदर इल्म सीखने सिखाने का जो मिजाज होना, दरअसल में सलफियत की जो असल है, जो फाउंडेशन है, जो पिलर्स है, वो आज अहले हदीस में खत्म हो गया।